गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है 21 तारीख और आज सुबह के 8:30 हो रहे होंगे और मैं यहाँ बाहर ठीक कर रही हूँ। तो आज का क्लिप, मतलब आज का जो वीडियो है, 2-3 दिन बाद आप तक जाएगा। तो हमारे यहाँ आज बाबा हमारे आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी एक वीडियो बनाती हूँ। काफी दिन हो गए थे उन्हें आए हुए, तो यहाँ पे बस हमारा भी वही मकसद था कि थोड़ी जो आजकल देख ही रहे हैं आप लोग कि देश में हमारे क्या हो रखा है। तो पूजा पाठ, संत, बस सबकी आस्था अपनी अपनी होती है, तो हमारे घर की आस्था उनमें रहती है। तो बस यही सब था। तो जो बाहर का रूटीन, मतलब नॉर्मली ये सब होता रहता है, और बाहर के पूरे हॉल खाली कर दिए गए हैं क्योंकि उनको बैठ मतलब उनके बैठने के लिए यहीं पे इंतजाम शायद होने वाला है। मुझे कंफर्म नहीं पता था ये बात, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो शायद ही करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो रूम में भी बैठे। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं अच्छे से झाड़ के, और 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन क्या, 1 दिन पहले मैंने सोफे के सारे कवर को धोए थे, क्योंकि होली के बाद मैंने उसको क्लीन नहीं किया था और काफी सारे अबीर उबीर लग गए थे। बच्चे हैं घर में तो ये सब तो वाजिब चीज होती है लगना। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं अच्छे से मतलब सेट कर रही हूँ और चादर वादर लगा के, उसके बाद आगे का मतलब देखती हूँ क्या होता है। तो देखते रहिए आप लोग भी मेरे साथ। हाय, काफी देर के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, और अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 और मैं नहा वहा चुकी हूँ। नहाने के बाद आज हमारे घर में आ रहे हैं हमारे बाबा। बाबा मतलब पूजनीय बाबा जो हम लोग बोलते हैं, जिन मतलब जिसको हम लोग मानते हैं, हरिहरानंद बाबा। तो आज आ रहे हैं हमारे घर, तो सबसे पहले उनके लिए कुछ खाना बनाना होता है, तो वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी मैं नहा वहा के आई हूँ। नहाने के पहले तो अपने लिए और मतलब बच्चों के लिए, मतलब अपने अपने घर वालों के लिए जो भी था बनाना, नाश्ता बनाना, ये सब मैंने बना के हटा दिया है। और उसके बाद अब नहा कर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में चलती हूँ। तो अभी मुझे उनके लिए बनाना है, क्या क्या बनाना है मैं बता देती हूँ। दाल बनाना है, चावल बनाना है, रोटी, चटनी और सारी सब्जियों को मिक्स, बस थोड़ी सी मतलब घी में तड़का दे के, और बस वही बनता है, सेंधा नमक डाल के बनता है। और उनका खाना में यही सब होता है। वो मतलब वैसे तो वो खाते नहीं है, जरा जरा सा हर चीज में टेस्ट करते हैं, लेकिन बनता इतना ही है सबके लिए, वो प्रसाद ही हो जाता है। और मालपुआ वो भी बनाना है, तो देखती हूँ आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ। तो अभी तो मतलब सब बच्चे, माँ, सब लोग नहा चुके हैं और सब तैयारी हो रही है, मतलब झाड़ू पोछा भी हो चुका है। मतलब 12 बजे तक वो आने वाले हैं, भैया ने बताया कि 12 बजे तक आएंगे। तो बाकी सारी तैयारी बाकी है। अभी आस्ते आस्ते मैंने दाल चढ़ा रखी है किचन में, क्योंकि नहा चुकी थी, मैंने सोचा कि दाल एक बार मतलब चढ़ा देती हूँ। किचन क्लीन कर दिया था मैंने और चटनी बना दी है, और बाकी जो सब्जी है वो अभी बनानी बाकी है। तो चलिए चलती हूँ किचन में आप लोगों के साथ। और आज था मतलब सैटरडे, सैटरडे है हाँ, और मुझे बाल धोना पड़ा क्योंकि कल रात को मतलब लहसुन प्याज, हम लोग लहसुन प्याज तो हम लोग खाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन वो मतलब खाने वाने के बाद बनाना खाना अच्छा नहीं होता है। और बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे, साउंड थोड़ा कम कर दो ना बेटा। तो चलिए किचन पे चलते हैं, तो कुछ काम मजबूरी में भी करना पड़ता है, जैसे बाल धोना। लेकिन क्या करें, ऐसे तो हम बना के खिला नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के ऊपर नहीं, मैं खुद कुछ भी करूंगी अगर अच्छा करूंगी तो अपने लिए करूंगी। तो इसलिए मैं ये चीज मानती हूँ कि मैं वैसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मुझे मतलब आगे चल के प्रॉब्लम हो। सामने वाला तो देखता नहीं है, संत है, उसे क्या पता है कि को मतलब कौन किस भाव से क्या किया है। मैं इसलिए ये सब चीजें बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मैंने आज बाल धो ही लिया। सैटरडे को मैं बाल कभी नहीं धोती हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं। तो आप जाती हूँ किचन में, और चलिए आप लोगों के साथ ही चलती हूँ किचन में। और किचन में मैंने चटनी बना के रख दिया है, और दाल मैंने चढ़ा दी है छोटी सी कुकर में धो के। लगभग दाल भी हो चुका है और चटनी भी बना दी है मैंने। गंगा से मैंने पूछा तुम क्यों इतनी शर्माती हो, तो हंसने लगी। तो चलिए कैमरे को ट्राइपॉड पर लगाती हूँ, काफी लेट हो चुका है और 12 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि पहले निपटा लेती हूँ ये सब काम। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने घर के लिए क्या क्या बनाया है अपने लिए। आज आलू बैगन की सिंपल सी सब्जी, बैगन की सिंपल सी सब्जी बनाई है, और ये माँ के लिए पपीते की सब्जी बनाई है थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं बना।
पे ये सब फल आए हैं, इसको धोना है, बाकी सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना है। कुछ मिठाई है, फल है, और जो बाबा के लिए खाना बनेगा यहीं पे रहेगा। तो ये है चटनी, यहाँ पे दूध गरम कर दिए हैं और गंगा लगी हुई है। हेलो कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। और अभी एक सब्जी बनानी है मुझे, लेकिन बाबा के खाना बनाने के बाद बनेगा, वो पूरी के साथ, जो मतलब दो चार लोग आएंगे बाबा से मिलने के लिए। दरअसल बाबा जब आते हैं तो काफी भीड़ होती है, लेकिन इस समय की हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रखी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग या 10 लोग आएंगे, और वो भी घर के अंदर नहीं, तो घर के बाहर ही। बाबा खुद बोले हैं कि हम लोग बाहर ही बैठेंगे, तो यही सब है। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, अच्छे से सेवा कर पाती हूँ कि नहीं उनकी, सब लोग मिलके, क्योंकि हमारी आस्था है उनमें, और हमारे लिए बहुत मतलब लकी होते हैं उनके पैर हमारे घर के लिए। तो बस वही है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं किचन में बाबा के लिए जो सब्जी बनानी होती है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले रखा है, और थोड़ी सी उसमें मैंने जीरा डाली है और हींग, और सारी सब्जियां जो आपके पास है, हरी सब्जियों में मतलब वो हरी सब्जियां में मैंने परवल लिया था, शिमला मिर्च लिया था, और कुछ था मटर वटर, ये सब डाल के मैं बना रही हूँ। और पालक का साग भी मुझे इसमें डाला है। तो सिंपल सी सब्जी उनकी बनती है, बस मतलब सेंधा नमक डालते हैं उसमें, और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली थी, मिर्चा वर्चा वो नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ऐसी ही सब्जी उनको बनती है। वो भी खाने के नाम पे बस जरा सा खाते हैं वो, बाकी सब प्रसाद के रूप में निकल जाता है। पे मैं सिंपल सी पुआ बना रही हूँ उनके लिए, और ये पुआ जितना भी पुआ है मैंने घी में बनाया है, शुद्ध घी में, तो क्योंकि उनके लिए प्रसाद की जरूरत थी पुआ, तो यहाँ पे, और इस बार तो मतलब कमाल ही हो गया था, मेरे से एक भी पुआ ऐसा नहीं था जो अच्छे से मतलब फूला नहीं हुआ था। मैंने माँ को दिखाया तो माँ बोली कि प्रसाद प्रसाद ही होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी वानी गिर गया था, तो मैंने अपनी मेट से बोला था कि थोड़ा किचन अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि किचन में तो बार बार बच्चे आना जाना लगे रहते हैं। तो बस उसने मतलब वही बोला कि भाभी ठीक है मैं कर देती हूँ, तो साइड से निकाल के और किचन टेबल में पूरा क्लीन कर देती। उसके बाद चारों तरफ से मतलब सारे काम निपट चुके थे और घर भी बहुत साफ लग रहा था, क्योंकि पापा आए नहीं थे, तो मैंने सोचा किचन में बना कर रख देती हूँ। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ था पुआ, प्रसाद से प्रसाद ही होता है, एक अंश हो जाता है ना प्रसाद का, तो बस वही करते हैं। और मेरे यहाँ भी मतलब मैं ऐसा मतलब मानती हूँ कि किसी चीज के लिए मतलब कोई भी चीज आप बनाओ भोग के रूप में, प्रसाद हो तो उसमें तो एक प्रसाद का अंश आ ही जाता है, और बहुत ही मतलब टेस्टी बना था। लास्ट में मैंने भी खाया, एक एक सब ने खाया प्रसाद का जो भी पुआ बना था। अभी हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं, अभी आए नहीं है, और कौन जीता, कौन जीता? हटा दो, साफ हटा दो।
से लिखती हूँ, जितना समेट पाऊंगी उतना ही समेट, उससे ज्यादा नहीं, थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से। और सब लोग अभी खाना खा रहे हैं, खाना तो बनाया मतलब बना ही था, पूरी सब्जी और बाकी बाबा लोग की जो भी थोड़ा सा इतना समेटना है समेटूंगी और आप लोग को भी प्रसाद दे देती हूँ, खा लीजिए आप लोग। यहाँ पे केला है और ये इसमें मैंने रबड़ लगा दिया है, ये है लड्डू मोदक की, तो आप लोग भी खाइए प्रसाद बाबा का और सबको मिलेगा अभी। और अभी किचन पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है, आपको दिखता ही होगा इधर उधर चारों तरफ, देखिए किचन अभी मुझे समेटने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। पूरा रूम बिखरा पड़ा हुआ एकदम, जहां तहां जो जिसको मन जैसे बैठा है उठा है, बच्चे हैं, लेकिन चलो अच्छा ही है, जैसे भी है घर में है, सेफ है, सबसे बड़ी बात ये है। और अच्छे से हो गया, सब चले भी गए बाबा बाबा जो भी मतलब जाना था जिनको, और भाभी लगी हुई है अपने रूम को ठीक करने में, क्योंकि बाबा उन्हीं के रूम में बैठे हुए थे। तो अभी काफी लेट हो चुका है, सुबह से ब्लॉग मेरा स्टार्ट है, तो अब आपसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे बैठे हुए हैं बाबा, और हालांकि आप लोगों को पता ही है कि भीड़ भड़ाका से उनको मतलब दूर रखना है अभी, तो यहाँ पे काफी सारे लोग बाहर थे, लेकिन दो चार ही लोग आके उनसे मिल रहे थे, और जिनको जिनको जो जो बातें पूछनी थी वो पूछ रहे थे। अब